हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की मेरा कहानी है कौवे की काले रंग कैसे हुआ। एक बार की बात है, कहा जाता है कि कौवे पहले सफ़ेद हुआ करता था। एक दिन एक ऋषि मुनि ने एक कौवा को अमृत की तलाश में भेजा। साथ में कौवे को ये भी चेतावनी दी कि केवल अमृत के बारे में पता करना है, उस अमृत को उसे पीना नहीं है, अन्यथा तुम इसका कुफल भोगोगे। ऋषि की बात पर कौवे ने हामी भरी और ऋषि मुनि से विदा लेकर वहां से चला गया। एक साल के कठोर परिश्रम के बाद कौवे की आखिर अमृत के बारे में पता चल गया। वह अमृत पीने की लालसा रोक नहीं पाया और उसे पी लिया, जबकि ऋषि ने कठोरता से अमृत को नहीं पीने के लिए पावन लगाया था। लेकिन कौवे ने ऋषि को दिया वचन तोड़ दिया। अमृत पीने के बाद कौवे को पछतावा हुआ और कौवा वापस आकर ऋषि को पूरी बात बताई, परंतु ऋषि ने यह बात सुनते ही आवेश में आ गया और कौवे को साप दे दिया। कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र सोच से अमृत को पवित्रता की नष्ट किया है, इसीलिए आज के बाद पूरी जानवर जाति तुमसे घृणा करेंगे और सारों पंछियों में केवल तुम होंगे जो सबसे नफरत भरी से देखेंगे, और मानव जाति तुम्हें किसी अशुभ पक्षी की तरह निंदा करेंगे। तुमने गलत इरादे से अमृतपान किया है, इसीलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, कोई बीमारी भी नहीं होगी और तुम्हें वृद्धावस्था नहीं आएगी। भाद्रपद के महीने के 16 दिन तुम्हें पितरों की प्रतीक मानकर आदर किया जाएगा, तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने अपनी कमंडल की काले पानी में उसे डुबो दिया। सफ़ेद कौवा काले रंग का बनकर वहां से उड़ गए और कहा जाता है कि तब से ही कौवा काले रंग का बन गए। कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।